अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो दोस्तों? मैं नवीद अख्तर, तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो 22 अगस्त है तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि जी सानू दसो कि कपाह की फसल में मजीद खाद लानी चाहिए है कि नहीं लानी चाहिए, हुण असीं की खाद लाइए। अगर असीं कॉटन की फसल की गल करिए तो इस टाइम साड़ी कॉटन की फसल बहुत अच्छी खड़ी है, तो जिहड़ियां साड़ियां अगेतियां फसलां ने, मसलन कि जिहड़े दोस्त ने गंदम तो फौरी बाद कॉटन की बिजाई कर ली, वह इस टाइम आलमोस्ट 15 मन 18 मन की चुनाई कर चुके हैं, तो फसल भी बहुत अच्छी है। तो जिन्हां लोगों की काश्त थोड़ी लेट हो गई गंदम की कटाई तो बाद, तो उस टाइम इस टाइम उस कॉटन की हाइट है तकरीबन 3 फुट 4 फुट की हाइट, तो वह भी है जिहड़ा खाद लाना है ना, वह इस टाइम की खाद लाना जिहड़ा है वह कॉटन नूं लंबा कर देगा, तो साड़ी गंदम की बिजाई नूं ना वह डिले कर देगा। इस टाइम की लगी हुई खाद जिहड़ी है कॉटन नूं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी वाले पासे लै जाएगी, बहुत ज़्यादा कच्चा करेगी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा जिहदी वजह तों सफेद मक्खी का प्रैशर होर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर तो साड़ा प्लैन है कि असी उन्हूं कॉटन तो बाद असी गंदम की बिजाई करनी है, तो फिर सानू अगेती फसल के उत्ते ते खाद का नीचे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर प्लैन ये है कि भी असी कॉटन तो बाद जिहड़ा गंदम की बिजाई नहीं करनी, जमीन खाली छोड़नी है, फिर फरवरी मार्च के जल्दी दोबारा कॉटन ही लगानी है, फिर असी उस कॉटन को चला सकते हैं। लेकिन अगर असी इस कॉटन तो बाद असी गंदम की बिजाई करनी है, तो सानू थले यूरिया लाने की कतई जरूरत नहीं है, टेंपरेचर भी बहुत ज़्यादा है, सफेद मक्खी का प्रैशर बढ़ जाएगा। हाँ, हुण यह सवाल पैदा होंदा कि अगर असी थले खाद नहीं लानी तो उत्ते असी उन्हूं की मैनेज करिए। मैं अपनी पिछली वीडियो भी आख्या कि जिहड़ियां अजकल दी वैरायटियां ने उत्ते माइक्रो न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन के उत्ते बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर दियां ने। असी इस टाइम इन्हां नूं NPK का स्प्रे कर सकते हैं, 2020 मार्केट बहुत अच्छे अवेलेबल है, असी उन्हों का स्प्रे कर सकते हैं। ये इस टाइम अमाइनो एसिड जोड़े ने बहुत अच्छे अच्छे मार्केट के हैं, असी मल्टी नैशनल कंपनी या ईवन के नैशनल कंपनियों के भी बहुत अच्छे अच्छे अमाइनो एसिड आए हैं मार्केट के, असी इन्हों के उत्ते अमाइनो एसिड का स्प्रे करिए, उत्ते फोलियर एप्लीकेशन करिए फर्टिलाइजर की, ये उत्ते फोलियर पोटाश का इस्तेमाल करिए, ताकि जी फुलगुड़ी हुण लग रही है जी कि बहुत अच्छी फुलगुड़ी आ रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग है, वह जी है ज़्यादा तो ज़्यादा वो टिंडे वाले पास कन्वर्ट हो, टिंडा जरा जल्दी तो जल्दी अपना साइज बेहतर करके तो साड़ी बेहतर ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार आए। लिहाजा असी नीचे यूरिया फ्लड करन नालों बेहतर है कि असी उही खर्चा उत्ते करके असी उन्हूं फोलियर एप्लीकेशन करनी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ताकि साड़ा जिहड़ा फुल है वह ज़्यादा तो ज़्यादा साड़ी पैदावार दे विच अपना किरदार अदा कर सके।